गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर हम लोग जीएसटी रिटर्न समय पे नहीं भरते हैं तो कितनी पेनल्टी लग सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, एक सर्कुलर दिया है। आज मैं आपको उस सर्कुलर को पढ़ के दिखाऊंगा और समझने के प्रयास करेंगे कि कितना हम लोगों को देना पड़ सकता है अगर रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल होता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी अपडेट, जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पे लग सकती है 50,000 रुपए की पेनल्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैक्सिमम पेनल्टी 50,000 तक की लग सकती है। क्यों लग सकती है, कैसे लग सकती है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। वीडियो को पूरा अटेंटिव होकर के पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस सिचुएशंस में आपको ये पेनल्टी लगने वाली है। आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसको क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जो लोग रिटर्न नहीं फाइल करते हैं वो अवेयर हो सके। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्टली उस सर्कुलर पे और देखते हैं कि क्या चीज वहां पर जो है हम लोगों को बताया गया है। ये आप देख पा रहे हैं जो सर्कुलर इशू हुआ था उसका डेट है अपना 31 दिसंबर 2018, सर्कुलर नंबर 76। इस सर्कुलर में कुछ बातें की गई है, कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। इसका जो क्लैरिफिकेशन का पॉइंट नंबर 2 है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेदर पेनल्टी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट शुड बी लेवाइड इन केसेस where the return in form GSTR 3B has been filed after the due date of filing such return. मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ, सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 बेसिकली है कि आपने अगर कोई भी चीज विलफुल मिस स्टेटमेंट है, बेसिकली वो फ्रॉड एंड पेनल्टी का सेक्शन है सेक्शन 73 जो कि हमारे सर्विस टैक्स रिजाइम में भी था। तो क्या अगर आप फॉर्म जीएसटी 3B मतलब जीएसटी 3B रिटर्न अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो क्या उस सेक्शन में पेनल्टी इन्वोक की जा सकती है ऑन द ग्राउंड कि आपने फ्रॉड किया, आपने मिस स्टेटमेंट दिया, आपने विलफुल इंटरप्रिटेशन नहीं किया, मिस इंटरप्रिटेशन किया है? तो उसके लिए डिटेल्ड एक गाइडलाइंस, डिटेल्ड एक क्लेरिफिकेशन आई है गवर्नमेंट के द्वारा। क्या इन्होंने बताया है देखते हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट पेनल्टी, मैं यहां लेट फीस की बात नहीं कर रहा, लेट फीस अलग चीज होती है, पेनल्टी अलग चीज होती है। पेनल्टी इज पेएबल इन केस सेल्फ असेस्ड टैक्स और एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स हैज नॉट बीन पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। सेक्शन 73 का सबसेक्शन 11 ये कहता है कि ये वाला जो प्रोविजन है इसके तहत पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर कोई भी सेल्फ असेस्ड टैक्स या फिर जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है कस्टमर से उसको 30 दिन के अंदर अंदर आपने जमा नहीं कराया तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 के तहत आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है After complying the due procedure. उसके बाद इन्होंने बोला, it may be noted that a so-called notice, SCN for short, is required to be issued to a person where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilized for any reason under the provisions of section 71 of the CGST Act. मतलब अगर आपको section 73 में penalty लेनी है तो department को SCN so-called notice issue करना होता है जहां पर कि आपने अगर कोई टैक्स नहीं पे किया है या कम पे किया है या आपने गलती से मतलब जानबूझकर के गलत रिफंड क्लेम कर लिया या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल कर लिया या यूटिलाइज कर लिया और उसमें आपको नोटिस दिया जाना है। आगे कहते हैं, the provisions of section 73 subsection 11 of the CGST Act can be invoked only when the provisions of section 73 are invoked. Section 73 subsection 11 का provision तभी आप लगा सकते हैं जब section 73 को आप invoke करेंगे और section 73 invoke करने के लिए आपको fraud proof करना होगा, आपको misinterpretation proof करना होगा, आपको misrepresentation proof करना होगा, आपको lawful मतलब अपने स्वेच्छा से अपने टैक्स चोरी कुल मिलाकर टैक्स इवेजन आपको प्रूफ करना होगा, आपको मतलब डिपार्टमेंट को।
तभी आप सेक्शन 73 में जा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आर जनरली नॉट इन्वोक्ड इन केस ऑफ डिलेड फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3बी। जनरली सेक्शन 73 को इन्वोक नहीं किया जाता है फॉर नॉट फाइलिंग जीएसटीआर 3बी। क्यों नहीं किया जाता है? बिकॉज टैक्स अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट हैज ऑलरेडी बीन पेड बट आफ्टर द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ सच टैक्स। क्योंकि वहां पर टैक्स की चोरी नहीं होती है, जीएसटीआर 3बी हम लोग अगर लेट फाइल करते हैं तो टैक्स जो हमने पे करना था वो और अलोंग विद इंटरेस्ट जो डिलेड पेमेंट हुआ उस दोनों को मिला करके हम लोग पेमेंट कर देते हैं, लेकिन आफ्टर ड्यू डेट करते हैं। इट इज अकॉर्डिंगली, तो इस चीज के लिए जनरली सेक्शन 73 को इन्वोक नहीं किया जाता। इट इज अकॉर्डिंगली क्लैरिफाइड दैट पेनल्टी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इज नॉट पेएबल इन सच केसेस। मतलब अगर आपने जीएसटी रिटर्न गलत ड्यू डेट के बाद फाइल करी तो सेक्शन 73 में आपको पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आपने टैक्स जमा कर दिया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट सिंस द टैक्स हैज बीन पेड लेट। अब यहां पे आती है मुद्दे की बात। It is further clarified, आगे clarify यही किया जा रहा है, since the tax has been paid late in contravention of the provisions of the CGST Act, a general penalty under section 125 of the CGST Act may be imposed after following the due process of law। क्योंकि आपने लेट फाइलिंग करा है, आपने लेट पेमेंट किया है, तो वो जो है आपका contravention of any of the provisions of the act किया है, आपने कानून की उल्लंघन किया है, कानून का उल्लंघन आपने किया है, तो उसके लिए एक जनरल पेनल्टी क्लॉज दे रखा है जीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 125 में। मैं आपको दिखाता हूं सेक्शन 125 जो है वो क्या कहता है। ये मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है सेक्शन 125, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। सेक्शन 125 कहता है, एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर अंडर फॉर विच नो पेनल्टी इज सेपरेटली प्रोवाइडेड। अगर कोई भी बंदा इस एक्ट के सीजीएसटी एक्ट या सीजीएसटी रूल्स के अंदर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करता है, कोई भी नियम तोड़ता है जिसके लिए कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं प्रेस्क्राइब है इन दिस एक्ट इस कानून में, तब क्या होगा, शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी विच मे एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज। अगर कोई ऐसी प्रोविजंस या ऐसा कोई एक्ट है जिसके लिए कोई पेनल्टी नहीं प्रेस्क्राइब्ड है और वैसे प्रोविजंस को आप ओवररूल कर रहे हैं जैसा कि है लेट पेमेंट लेट फाइलिंग, तो जनरल पेनल्टी के तहत सेक्शन 125 के तहत आपको 25,000 रुपए सीजीएसटी और सिमिलर प्रोविजंस एसजीएसटी के भी इन्वोक किए जा सकते हैं और आप पे 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये चीज गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करा है। तो अब ऐसा है कि रिटर्न अगर आपने टाइम पे नहीं फाइल किया है तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोशिश कीजिए कि आप अपनी रिटर्न जो है टाइम पे फाइल कर पाए, नहीं तो हो सकता है डिपार्टमेंट जो है इस चीज को इन्वोक करे, लेकिन इसका चांसेस बहुत कम लगता है मेरे को कि इतनी छोटी सी चीज के लिए अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया। अब कंटिन्यूअस अगर आप उस हैबिट में रहेंगे तो हो सकता है ये चीज हो जाए, बट एक महीने दो महीने के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपकी क्या राय है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज ट्विटर पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अपनी क्वेरीज को और कमेंट्स को आप हमें वहां पोस्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।